हेल्थ किसी भी इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है और कोई भी बीमारी किसी इंसान की इकोनॉमिक स्टेटस देखकर नहीं आती। यूँ तो हम सब के घर में आजकल सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स या उनसे रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती ही हैं। इन सब चीज़ें यूज़ करने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, वो है उसके प्रॉपर डिस्पोजल की। जब हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं तो हम उसे पेपर में या प्लास्टिक में रैप करके कहीं भी डाल देते हैं या फिर घर के कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन जो इस बात से अनजान होते हैं कि उस कचरे में क्या है और उसके संपर्क में आ जाते हैं, लोगों को पता चल ही गया होगा ना कि ये क्या किस बारे में बात हो रही है। हम ये बोलना चाहते हैं कि उन सैनिटरी पैड्स और डाइपर्स को छूने से ना जाने कितने तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। Want to bring this into your knowledge that sanitary pads and diapers contains various inorganic volatile compounds and microbes which can cause various hazardous diseases like diarrhea, dysentery and other infectious diseases. Sankramit rog. At least 12 billion of sanitary pads are dumped in India every year, which is equivalent to 1 lakh tons of sanitary waste. Do you know that a single non-organic sanitary pad takes approximately 250 to 800 years to decompose or may even not decompose at all? So, in sab problem ka koi to solution nikalna padega na. So, here we are making this video to suggest a simple solution for this complicated problem. प्रॉब्लम अब सबके सामने है और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मे बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? मैम, सबसे पहले तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है ना जो यूज़ करता है कि उसे अच्छे से रैप करे और ऐसे रैप करके डाले कि हमारे भाई बहनों को उसकी उससे परेशानी ना हो, और उसमें से रेड मार्क करके मार्कर से अगर हम डालेंगे तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये सबसे पहले हमसे चालू होगा। यस, किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से करें। अगर आप चेंज चाहते हैं तो उस चेंज की शुरुआत करने के लिए पहले खुद को चेंज करने के लिए तैयार रहें। एक कागज़ के बैग में आप सैनिटरी पैड्स या डाइपर्स डाल के प्रॉपरली पैक करके उसके ऊपर मार्कर से एक रेड डॉट बना दीजिए, सो दैट हमारे सफाई कर्मचारी उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लें कि इसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं। और क्या सोल्यूशन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक मैम? इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हमें ब्लू और ग्रीन दो कलर के बॉक्स तो प्रोवाइड करता है। यस यस, जो ग्रीन कलर वाला होता है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, जबकि जो ब्लू होता है उसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। क्यों ना हम उनसे रिक्वेस्ट करें और एक रेड या फिर ऑरेंज कलर का बॉक्स उनसे मांगें जिसमें हम सैनिटरी पैड्स और डाइपर्स ऐसे जो भी वेस्ट हैं उनको डिस्पोज कर पाए। यार, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट्स अ बिग डील इन इंट्रोड्यूसिंग अनदर बॉक्स? अभी ग्रीन एंड ब्लू तो दे ही रहे हैं, तो अगर साथ में ऑरेंज या रेड कलर भी इंट्रोड्यूस कर देते तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और उसका साइज भी छोटा रखा जा सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा कचरा इस तरीके का नहीं होता है। और जब तक हमारे पास ये डब्बा नहीं आता तब तक प्लीज एक बैग में अलग से मार्किंग करके ब्लू वाले डब्बे में ऐसे सब वेस्ट डाले ताकि हमारे सफाई कर्मचारी लोग सुरक्षित रहें। या शी सेड वेरी करेक्टली कि भाई इंतजार मत कीजिए कि जब वो ऑरेंज या लाल डब्बा देंगे तब हम डालेंगे, तो तभी तक के लिए तो कम से कम आप जिम्मेदार बन करके आप नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ब्लू कलर वाले कचरे के डिब्बे में प्रॉपरली रैप्ड चीजें डिस्पोज ऑफ कीजिए। ये तो हो गया हमारी हमसे शुरुआत, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरुआत। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी मदद ले सकते हैं। आपको क्या लगता है अनित? यस मैम, आप सही कह रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जगह जगह पे इंसिनरेशन यूनिट लगाए जहाँ हम सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स और इससे रिलेटेड चीज़ों को इंसिनरेट कर पाएंगे। बेसिकली अ काइंड ऑफ मशीन जिसमें हम कूड़ा करकट या फिर ऐसे सैनिटरी पैड्स या डाइपर्स को रख के उनको जला सकते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जगह आइडेंटिफाई कर ले और वहाँ पे ये इंसिनरेटर यूनिट्स इंस्टॉल कर दे तो ये टाइम टाइम पे डिस्पोज ऑफ होते रहेंगे।
एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड अवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप इस तरीके के कचरा को डिस्पोज करने का एक अलग जगह निर्धारित करें, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में, पैड्स को डिकम्पोज होने में 500 टू 800 ईयर्स का टाइम लगता है. दीज पैड्स ऑल्सो वर्सन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड अफेक्ट्स द माइक्रोब्स ऑफ द सॉइल. And we are incorporated with our Safe Soil campaign. So we also request all of you to please be responsible. And if you want a change, start from yourself. जिम्मेदार नागरिक बने अपनों का और दूसरों का, अपने सफाई कर्मचारियों भाई बहनों का और अपने वातावरण का ख्याल रखें. ये पहल है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं. अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करें और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसे इंप्लीमेंट करवाने की रिक्वेस्ट करें.